हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग यूपीपीसीएस 2019 का पैटर्न जो 18 से चेंज हुआ है उसे देखते हैं। ठीक, यूपीपीसीएस प्राथमिक परीक्षा पैटर्न, तो आपको बता दें प्रारंभिक परीक्षा में यूपीपीसीएस में इसकी प्रकृति बहुविकल्पीय होती है, मतलब विकल्प आधारित होता है पेपर दोनों। यूपीपीसीएस प्राथमिक परीक्षा में दो परीक्षाएं होती हैं, अर्थात सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड। इसे सी सेट बोला जाता है, सेकंड पेपर को। तो परीक्षा देखते हैं तो सामान्य अध्ययन 2 घंटे का होता है पहला पेपर, ये 150 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 200 अंक का रहता है। तो याद रखिए सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर होता है पीसीएस का, यूपीपीसीएस का, उसका पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, ये 2 घंटे का रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर का रहता है। आपको बता दें ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, 2 शिफ्ट में। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन, इसमें एप्टीट्यूड हिंदी अंग्रेजी जिसे सी सेट बोलते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 अंक का। तो याद रखिए जो सी सेट होता है सेकंड पेपर, ये 2 घंटे का रहता है, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन सॉरी, 200 अंक के, 200 नंबर के। अब यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बात है, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण योग्य है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% नंबर अंक आवश्यक होते हैं। इसका मतलब हुआ कि सामान्य अध्ययन जो सेकंड पेपर है सी सेट का प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें केवल हमें पास पासिंग मार्क चाहिए होते हैं जो 33% होते हैं, 200 नंबर का है, इसमें से 33% हमें नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए। और सामान्य अध्ययन पेपर जो फर्स्ट है, ये मुख्य चरण के उम्मीदवारों की योग्यता की जांच के लिए है, मुख्य परीक्षा के हॉट टिकट प्राप्त करने के लिए इसके अंकों की आवश्यकता होती है, इसके बाद से यह उम्मीदवार की अंतिम योग्यता निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता। इसका मतलब हुआ कि जो प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर होता है इसके आधार पर हम कट ऑफ बनती है और इसी के आधार पर हम मेंस में पहुंच पाते हैं, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर, लेकिन पहुंचने का माध्यम है, लेकिन इसके बाद पहुंचने के बाद इसका कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, अब यूपीपीसीएस मेंस के देखते हैं एग्जाम पैटर्न। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की प्रकृति विषयात्मक है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्नपत्र होते हैं, हिंदी पहला पेपर हिंदी, ये 3 घंटे का होता है, 150 अंक का हिंदी, 150 अंक का। फिर निबंध अपना ऐसे, ये 3 घंटे का रहता है, 150 अंक का ये भी रहता है, तो निबंध 3 घंटे का, 150 अंक का। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, ये भी 3 घंटे का रहता है, लेकिन ये 200 अंक का रहता है नंबर का, पेपर फर्स्ट है जो 200, 3 घंटे का, 200 नंबर का रहता है। पेपर सामान्य अध्ययन का सेकंड है जो, ये 3 घंटे का रहता है, 200 अंक का रहता है। सामान्य अध्ययन पेपर तीसरा जो है ये भी 3 घंटे का रहता है, 200 अंक का। सामान्य अध्ययन पेपर फोर ये भी 3 घंटे का रहता है, 200 अंक का रहता है। आपको बता दें इसमें विकल्प विषय एक चुनना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं, लेकिन तो एक पेपर कोई भी जैसे हिस्ट्री चुन रहा है या ज्योग्राफी या कोई भी, तो एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, लेकिन उसके पेपर 2 जो दोनों 400 नंबर के रहेंगे। पहला एक पेपर होगा जो 3 घंटे का, 3 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का, और दूसरा जो पेपर होगा वो भी 3 घंटे का रहेगा, 200 अंक का। आपको बता दें यहाँ पेपर हिंदी, जो हिंदी है हमारा, ये 3 घंटे का है, 150 अंक का। निबंध है 3 घंटे और 150 नंबर,
सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, ये 3 घंटे का रहता है। प्रत्येक पेपर 200 अंक का प्रत्येक पेपर रहता है। विकल्प विषय ये 200 नंबर का रहते हैं, 200 नंबर के दो पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो अपने ये हुए टोटल 1500 अंक मेंस में। और वैकल्पिक विषय में प्रत्येक पेपर 200 अंक के दो प्रश्न में प्राप्त होंगे। यहाँ विकल्प विषयों की सूची दी गई, ठीक है देख लीजिए। कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, रक्षा प्रबंधन, रक्षाबंधन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल, इतिहास, ये देख लीजिए आप। अच्छा, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, अब इंटरव्यू की तीसरे चरण की बात करें तो ये 100 अंक का होता है इंटरव्यू हमारा। सभी चरणों के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जाती है, जिसके आधार पर हमारा सिलेक्शन होता है। यहाँ आपको बता दें एक जरूरी बात कि जो 1600 1500 का मेंस हो गया और 100 नंबर का इंटरव्यू, इसके आधार पर 1600 अंक के आधार पर हमारी हमारा सिलेक्शन होता है और हमें कोई पद मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा का अब सिलेक्शन में, अंतिम सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। चलिए इसका पैटर्न देख लिया, यूपीपीसीएस का 2019 नया पैटर्न, 2018 से चेंज हुआ है। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। आपको कुछ बता दें, कोई भी परीक्षा हो सबसे पहले हमारे पास दो उससे रिलेटेड चीजें होना चाहिए, एक सिलेबस, दूसरा पुराने पेपर। पहले हमें देख लेना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का सिलेबस देखेंगे।